हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको टैली के कोई लेटेस्ट और यूजफुल TDL फाइल के बारे में बताएंगे। और ये TDL फाइल टैली की बाकी सभी TDL फाइल्स के मुकाबले काफ़ी एडवांस TDL है। इस TDL फाइल का नाम है ट्रांसपोर्टर TDL फाइल। जैसे कि इस TDL फाइल के नेम से हमें क्लियर होता है कि ये TDL फाइल ट्रांसपोर्ट डिटेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये TDL फाइल उन सभी लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगी जो अपनी सेल्स के वाउचर में एंट्री करते समय ट्रांसपोर्टर की डिटेल को भी ऐड करना चाहते हैं, और जो लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सभी लोग जो सेल के अंदर अपने किसी भी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजते हैं, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि उनको सेल्स के वाउचर में ट्रांसपोर्टर की डिटेल भी शो हो, कंसाइनमेंट की डिटेल शो हो, तो उनके लिए TDL फाइल काफ़ी यूजफुल होगी। साथ ही में ये TDL फाइल टैली ERP 9 और टैली प्राइम दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क करेगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए, हो सकता है कि ये TDL फाइल आपके बिजनेस में भी काफ़ी यूजफुल हो। तो आइए देखते हैं ये टैली की कौन सी यूजफुल TDL है। और साथ ही में अगर आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में इसी तरीके की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। और अगर आप TDL फाइल से रिलेटेड और इसी तरीके की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमने अपने YouTube चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, जिसके अंदर हमने टैली की बेसिक टू एडवांस सभी TDL फाइल्स को डिटेल के अंदर कवर किया है। 200 से भी ज़्यादा वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो आइए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको टैली के एक एडवांस TDL फाइल के बारे में बता रहे हैं। इस TDL फाइल का नाम है ट्रांसपोर्टर TDL फाइल। जैसे कि इस TDL फाइल के नाम से हमें क्लियर हो जाता है कि ये TDL फाइल ट्रांसपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड है। यानी वो सभी लोग जो अपनी सेल परचेस या अपने बिजनेस के अंदर ट्रांसपोर्टर की डिटेल को ऐड करते हैं वो लोग इस TDL फाइल को यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे सभी लोग जो सेल और परचेस की एंट्री करते हैं और चाहते हैं कि अगर वो किसी सामान को ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजते हैं तो उसकी भी डिटेल उनको वाउचर के अंदर शो हो, तो वो सभी लोग भी इस TDL फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में ये TDL फाइल टैली ERP 9 और टैली प्राइम दोनों के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर हमने TDL फाइल को लोड कर दिया है, तो आइए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है कि अगर आपने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो नहीं किया तो लास्ट में TDL फाइल आपकी वर्क नहीं करेगी। तो टैली सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टर के लेजर को बना लेते हैं। तो उसके लिए गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए क्रिएट में आ जाते हैं, शॉर्टकट के C, यहाँ पे लेजर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर के लेजर को हम बना लेते हैं, जिससे जब भी हम सेल करें तो वहाँ पे हमें शो हो जाए। क्योंकि जब भी हम अपना कोई बिजनेस करते हैं तो लगभग हमारे ट्रांसपोर्टर हर बार सेम ही रहते हैं। अगर आपका कोई नया ट्रांसपोर्टर है तो आप उसका भी लेजर यहाँ पे बना लीजिए। तो आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पे हम कुछ ट्रांसपोर्टर बना लेते हैं। एक हम रख देते हैं ट्रांसपोर्टर ए। अब यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप, अब इसका अंडर ग्रुप आपको ट्रांसपोर्टर ग्रुप के अंदर रखना है। यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, आपको ट्रांसपोर्टर ग्रुप के अंदर रखना है, लेकिन टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट इस तरीके का कोई भी ग्रुप नहीं होता। तो उसके लिए हम इसको क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी, और यहाँ पे हम एक नया ग्रुप बना लेते हैं ट्रांसपोर्टर। इसको करंट लाइबिलिटी के अंदर रखना है, कंट्रोल इसे शेप करा देंगे। तो आप देखेंगे ट्रांसपोर्टर जो इसका अंडर ग्रुप है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ग्रुप के अंदर आपको रखना है। तो यहाँ पे हमने नया बना लिया, उसको सिलेक्ट कर देंगे। इतना सा करने के बाद इसको कंट्रोल इसे शेप करा दीजिए। तो एक यहाँ पे हम बना चुके हैं, तो आइए एक एंट्री करके देखते हैं कि वहाँ पे हमें शो होगा या नहीं। तो उसके लिए गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए वाउचर्स में आ जाते हैं, शॉर्टकट के V, और यहाँ पे सेल्स के वाउचर में आ जाते हैं जिसकी शॉर्टकट की F8 की। तो आप देखेंगे सेल्स के वाउचर के अंदर नीचे आपको ट्रांसपोर्टर डिटेल का एक नया ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली के अंदर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे भी इस TDL फाइल को सक्सेसफुली लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपको भी शो हो जाएगा। किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल हम इसको यस कर देते हैं, यस करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी ट्रांसपोर्टर आपने बनाए होंगे पूरी लिस्ट उसकी यहाँ पे आ जाएगी। अभी हमने एक ही ट्रांसपोर्टर बनाया था जिसको हमने ट्रांसपोर्टर ए नाम दिया था, तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो आइए फटाफट हम एक और बना लेते हैं और देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे शो हो रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए दोबारा से हम क्रिएट में आ जाते हैं, लेजर में आ जाते हैं, और इस पर यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ABC ट्रांसपोर्टर। इसको ट्रांसपोर्टर ग्रुप में रखेंगे, एक्सेप्ट करा देते हैं। दोबारा से वाउचर में आते हैं, यहाँ पे एक एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले पार्टी अकाउंट नेम में किसी भी कस्टमर को सिलेक्ट कर देते हैं, सेल्स ले लेते, और यहाँ पे किसी भी एक स्टॉक आइटम को हम सिलेक्ट कर देते हैं। एग्जांपल के लिए सोनी एक्सपीरिया 5, इसका गोडाउन, एक नॉर्मल सेल की एंट्री जिस तरीके से की जाती है
टैक्स, CGST, SGST। अब यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हमने ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसको भेजा है तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टर डिटेल को यस कर देंगे। अगर यहाँ पे कस्टमर इसको खुद लेके गया तो उसको हम नो रहने देंगे, लेकिन अगर आपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू उसको भेजा तो उसको यस कर दीजिए। यस करते ही यहाँ पे आपके सामने जितने भी आपके ट्रांसपोर्टर होंगे, यानी जिसको आप रेगुलरली यूज़ करते हैं या ज़्यादातर आप उनको यूज़ करते हैं, तो उनके लेजर बना के रख लीजिए। यहाँ पे आपको उनके नेम आ जाएंगे। अब एग्जांपल के लिए ट्रांसपोर्टर ए से भेजा है तो इसको सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको ट्रक नंबर आ जाएगा, आप ट्रक नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, जो भी उसका ट्रक नंबर है। यहाँ पे आइटम का नेम डाल दीजिए, जो भी आइटम आप यहाँ पे भेज रहे हैं। देन उसके बाद फ्रॉम और टू, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आप उसका वेट डाल दीजिए, जितना भी उसका वेट है, रेट, अमाउंट, और यहाँ पे नीचे की तरफ पार्टी नेम, यानी जो सामान को रिसीव करेगा, और यहाँ पे डिस्पैच मोड, यानी कैसे आपने इसको डिस्पैच किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एक्स डिलीवरी और फोर डिलीवरी दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंसाइनमेंट नंबर अगर कोई है तो वो भी आप ऐड कर दीजिए। यानी टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट इस तरीके का कोई भी फीचर नहीं है। आप ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं, जिससे फ्यूचर में जब भी आप सेंट्रिक ओपन करेंगे तो वहां पे आप जैसे यस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपने इस सामान को भेजा था, क्या उसका कंसाइनमेंट नंबर था, क्या क्या सामान आपने उसको भेजा था। और यही TDL फाइल आपकी टैली ERP 9 के अंदर भी वर्क करेगी। यहाँ पे हमने इसको पहले से लोड किया हुआ है। अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं तो आप देखेंगे नीचे की तरफ ट्रांसपोर्टर डिटेल आपको शो रही है। इसको यस करते ही यहाँ पे भी आपको सेम उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपको स्टेप को ध्यान देना है कि जब भी आप ट्रांसपोर्टर के लेजर को बनाएं तो उसके ग्रुप को आपको ट्रांसपोर्टर के अंदर रखना है, और उसके ग्रुप के जो अंडर ग्रुप है वो आपको करंट लायबिलिटी के अंदर रखना है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये वो टैली की TDL है, ट्रांसपोर्टर TDL। टैली की ये TDL फाइल और जितनी भी TDL फाइल्स आपको स्क्रीन के ऊपर शो रही है, ये सारी आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। ये 200 से भी ज़्यादा TDL फाइल्स हैं। इन सभी TDL फाइल की लिस्ट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी TDL फाइल है, और जितनी भी TDL फाइल्स हैं विद वीडियोस आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाए जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ERP 9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS Excel बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये 5 ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहां पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।